हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ आप मैथ्स क्लास में। मैं आपको आज मैथ्स में कुछ चार मैट्रिक्स के चार बेस्ड टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखो आज मैथ्स में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है और अच्छा टॉपिक कराएंगे आज को। देखो आज टॉपिक है हमारे डिग्रीज, हमारी कुछ डिग्रीज होती हैं जो मैट्रिक्स में, जो हमारे अच्छे बेस्ड पे आपको अच्छी भी, जिसका एक एग्जाम्पल आता है या क्वेश्चन आता है वो 7 से 8 मार्क्स का आता है। और हर एक जो ईयर होती है, ईयर हमारा जो पेपर होता है हर एक ईयर में, जो हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें। तो देखिए आज जो हम इसका करेंगे डिग्री करेंगे हम। डिग्री देखो हमारी कितनी होती है, चार प्रकार की डिग्री होती है, चार प्रकार की डिग्री होती है। तो पहली डिग्री हमारी क्या होती है, पहली डिग्री होती है लीनियर डिग्री होती है, लीनियर इक्वेशन। दूसरी हमारी क्या होती है, हम पहले इसी को साथ में लेकर आते हैं, लीनियर इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है हमारी 2x+3y = 6। ये हमारी कौन सी लीनियर इक्वेशन है, जब हमारे इक्वेशन पे कोई भी एक घात दे रखी हो, इस पे एक ही तो घात होगी हमारी, जब किसी के ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात होती है। ओके, अब इसके ऊपर एक घात होगी, अगर इसका हम घात पद निकालेंगे तो कोई भी नहीं, बस x ही आएगा। तो हमारे इसका एक घात है, जिस इक्वेशन के ऊपर एक घात होती है वो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। अब देखो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन है हमारी क्यूट्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, क्यूट्रेटिक इक्वेशन वो होता है हमारा x²+3y = 7। ये हमारी हो गई क्यूट्रेटिक इक्वेशन में हमारे क्या होता है, जो हमारे कोई भी x या y पद पे स्क्वायर, मतलब जो x के पद पे दो इसका स्क्वायर होता है वो हमारे क्यूट्रेटिक इक्वेशन होता है। तो हमारा x का पद पे कितना, दो का स्क्वायर है, तो हमारे ये क्यूट्रेटिक इक्वेशन है। देखो हमारी तीसरी कौन सी होगी, तीसरी इक्वेशन होगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन में हमारा क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन में हमारा होता है जहां पे हमें किसी भी पद में 3 का स्क्वायर हो, मतलब 3 हो, जहां पे हमारा घन हो, एक्स का या वाई का या जेड, जो भी हमारे पद दे रखे हैं उसमें हमारे घन हो, मतलब एक्स की घात 3 या वाई की घात 3 या जेड की घात 3, हमारा जो भी हो, अगर हमारा क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारा ऐसा होगा। ओके, तो अगला हम चौथा इक्वेशन कौन सा लेके चलते हैं, चौथा इक्वेशन है हमारा बिगुए ट्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमारा चौथा इक्वेशन कौन सा है, बिगुए ट्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है देखो 2x³+2y, यहाँ आता है 4 कर लो, हमारे 2x² 2y³+7z² = 1। ओके, जो हमारा बिग्यूएट्रेटिव मतलब बिग, हमारी बिग बड़ी, मतलब जो x का पद होगा उसका हमारा जो घात होना चाहिए वो बड़ी घात होनी चाहिए, जो हमारे अगर किसी पे हमारी 2 हटा दें तो हमारी यहाँ पे क्या है, देखो 2x² ये भी बड़ी घात है, 2y³ ये भी बड़ी घात है, अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो वो 1 से ज़्यादा घात है, मतलब बड़ी घात नहीं है। तो हमारी 2x⁴ या 3 या 5 7 10 12 जो भी घात होगी वो हमारे बिग्यूट्रेटिव घातों में आती है। अब देखो हम यहाँ से फिर से रिविजन आप कराते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहाँ पे हमारा एक्स का जो पद होगा वहाँ पे वन की घात हो। ओके, और हमारा क्यूट्रेटिव इक्वेशन वो इक्वेशन होगा जहाँ हमारा एक्स के पद में 2 का घात हो, और क्यूबिक इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारा 3 घात हो, और बिग्यूट्रेटिव इक्वेशन में हमारी घात 4 हो 5 हो 3 हो कितनी भी हो, हमारा ज़्यादा घातें आती हैं उसमें, ज़्यादा घात आती है अगर, तो हमारी बिग्यूट्रेटिव इक्वेशन होगी। ओके, तो हमारी ये डिग्री और इक्वेशन सारी आपको सॉल्व हो गई होंगी। ओके, तो हम अगला लेके चलते हैं, आपको अगला एग्जांपल कराएंगे आपके लिए
इसी के बेसिक पे देखो एग्जांपल हमारा क्या होगा, हमारा जो एग्जांपल होगा वो देखो क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। हमारी ये दे रखी समीकरण तीन, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, समीकरण थर्ड है। हमारी ये तीन इक्वेशनें दे रखी, इसके बेस्ड हमें सारी जो हमारी इक्वेशनें थी उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। इसमें हमारा एडजॉइंट और कोफैक्ट और जो भी हमारी इक्वेशन लगेंगी वो हम इसी के साथ सॉल्व करेंगे। देखो हम इसे किसके साथ सॉल्व करेंगे, हम इसे करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी इस समीकरण द्वारा सॉल्व करेंगे। ये हमारे अगर ऐसा कोई हमें अगर ऐसा कोई सवाल दे रखा है ये इक्वेशनों का, लीनियर इक्वेशनों का, तो हमारे क्या होगा इस समीकरण द्वारा हल होगा। देखो इस समीकरण में देखो क्या होगा, हमारा ए, ए का जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे एक्स पदों द्वारा बनेगा, एक्स पदों द्वारा क्या बनेगा, एक्स बाई जेड, एक्स का यहाँ एक्स से हमारा क्या है, एक्स हमारा कैपिटल लेटर है, यहाँ पे एक्स हमारा कैपिटल लेटर, तो हमारे एक्स के जो पद होंगे वो कौन से होंगे, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई के जो वेस्ट मतलब जो भी हमारा अंक होगा वो हमारा होगा ए का मैट्रिक्स। देखो यहाँ एक्स का पद कौन सा है, टू, यहाँ पे x, x का अगर हमारा इंटू वन कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं कर रहा है क्योंकि किसी का मल्टीप्लाई वन करने पर हमें ओ ही मिलता है, तो हमारे यहाँ भी वन हो जाएगा और यहाँ भी वन हो जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है थ्री, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वन, यहाँ टू वाई है तो यहाँ टू, यहाँ जेड है फोर है जेड के वेस्ट में तो फोर, और यहाँ वन वन, ओके ये बन गया हमारा थ्री इंटू थ्री का मैट्रिक्स। ओके अब हमें क्या है अगला मैट्रिक्स एक्स, एक्स वाला अगर हम x के पदों की बात करें तो x के हमारे जो स्मॉल हमारे जो कैपिटल कैपिटल x के जो पद होंगे वो हमारे होंगे इस समीकरण में से सारे स्मॉल के पद x y z, हमारा ये x का जो मैट्रिक्स बनेगा x y z स्मॉल लेटर्स होंगे हमारे x y z, जो हमारा x का पद होगा वो होगा कैपिटल में, जिस सारे हमारे जो समीकरण होगी ये समीकरण ये होगी हमारी ये होगी हमारी कैपिटल लेटर में। ओके अब हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है वी, वी का हम देखो तो वी और ए, जो वी है और वो ए है, यहाँ पे हमें अचर पद ज्ञात करने को बताता है। देखो वी जो हमारे एलिमेंट आए सारे अचर पद हैं, मतलब अंक दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, और हमारे बी, बी में हमारे क्या होगा नाइन, ये वाली होगी ये नाइन थ्री फोर, मतलब यहाँ भी हमारा अचर पद होगा, तो बी और ए हमारा यहाँ पे अचर पद को डिनोट करता है क्योंकि यहाँ पे अंक हमारी संख्या दे रखी होती है। ओके अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ओके तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, हमारी समीकरण क्या दे रखी है, ये हमें यहाँ से एक्स वाई की जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ से एक्स निकालना होगा। जब हम एक्स निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, हमारा ए है वो वी के वट ए में पहुँच जाएगा। ओके और एक्स इज इक्वल टू हमारा ए जब ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा इंटू बी, हमारी समीकरण क्या बन जाती है ये, इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं ए। ओके इस समीकरण को हम एक नाम दे देते हैं ए नहीं एक नाम दे देते हैं ए वन समीकरण, तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई। हमें एक्स ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड हमें जो कैपिटल लेटर में एक्स वाई जेड हमारी जो डिनोट दे रखे हैं हमें वो ज्ञात करना है। जब हमें ये एक्स ज्ञात करेंगे ये वाला, तो हमें क्या देखो एक्स दे रखा है, हमें बी दे रखा है, लेकिन ए इनवर्स नहीं दिया है। हमने अब पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि हमें ए इनवर्स किससे निकालते हैं, एडजॉइंट ए से। ए इनवर्स होता है हमारा जो ए इनवर्स दे रखा है वो हम एडजॉइंट ए से निकालते हैं। एडजॉइंट ए में क्या होता है, मैट्रिक्स जो हमारा ए दे रखा है उससे हमारे पहले हमें माइनर निकालने होते हैं। माइनर से हम क्या निकालते हैं कोफैक्ट, कोफैक्ट से हमारा क्या बनता है एडजॉइंट ए, और फिर हम उसके द्वारा क्या निकालते हैं ए इनवर्स। ओके तो हम देखेंगे हमारे ये दे रखा है मैट्रिक्स ए, तो हम इसमें क्या निकालेंगे माइनर, माइनर देखो हमारे क्या होंगे M11 क्या होगा, देखो हमारा पहला रो और पहला रो कट जाए पहला कॉलम कट जाए तो हमारे क्या देखो 1 1 2 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, ये हो जाएगा -1। M12 लेंगे 1 और 2 तो
वन 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 बचेगा, तो वन का मल्टीप्लाई वन में माइनस वन का मल्टीप्लाई वन में इक्वल टू क्या जाएगा जीरो। अब क्या लेंगे एम वन थ्री, एम वन थ्री वन और थ्री क्या बचेगा हमारा वन वन और वन टू, वन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे टू माइनस वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे वन इक्वल टू क्या जाएगा वन। देखो यहाँ पर क्या गया हमारी इतनी समीकरण है एम वन 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 टू वन थ्री हमारा इतना आ गया एक रो हल हो गया। अब हम क्या याद करेंगे अगला एम टू वन, एम टू वन क्या याद करेंगे टू और वन हमारे क्या बचेगा टू ये जाएगा दूसरा रो और पहला कॉलम जाएगा ये वाला, तो हमारे क्या बचेगा थ्री फोर टू वन, थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे थ्री माइनस फोर का मल्टीप्लाई टू में करेंगे एट, क्या बचेगा हमारा माइनस फाइव। ओके अब क्या करेंगे एम टू टू, टू टू जाएगा मतलब हमारे जो मैंने बताया था कि एम हमारा अगर टू टू दे रखा तो हमारे क्या बचते हैं ये कोने वाले बचते हैं, कोने वाले अंक बचते हैं टू फोर वन वन बचेगा, ये देखो वन वन टू फोर ये बचेंगे हमारे, टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे टू माइनस फोर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे फोर इजिक्वल टू क्या जाएगा माइनस टू। एम क्या आएगा एम टू थ्री इजिक्वल टू क्या जाएगा टू और थ्री ये जाएगा और ये वाला चला जाएगा, ये पूरा जाएगा ये पूरा चला जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा टू थ्री वन टू, टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे फोर माइनस थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे थ्री इजिक्वल टू क्या जाएगा वन। ओके अब क्या याद करेंगे हम यहाँ पे एम थ्री वन, एम थ्री वन निकालेंगे, एम थ्री वन क्या होता है थ्री ये वाला जाएगा हमारा और वन ये वाला जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा थ्री फोर वन वन, थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे थ्री माइनस फोर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे फोर इजिक्वल टू माइनस वन। एम थ्री टू, थ्री टू निकालेंगे थ्री और टू हमारे ये पूरा जाएगा और ये तो पूरा जा ही जाए, तो हमारे क्या बचेगा टू फोर वन वन, टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे टू और फोर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे माइनस फोर इजिक्वल टू माइनस टू। एम थ्री थ्री, थ्री और थ्री मतलब ये पूरा और ये पूरा चले जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा टू थ्री और वन वन, तो जब टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे क्या हो जाएगा टू माइनस थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे थ्री इजिक्वल टू क्या जाएगा माइनस वन। ओके देखो हमारे यहाँ ये फिर सारे ये सारे हमारे माइनर निकले आए हैं, आर पहला निकले आया है दूसरा तीसरा तीनों हमारे रो निकले आए हैं और हमारे माइनर मतलब रो और कॉलम के द्वारा माइनर निकल के आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे सी वन वन मतलब कोफैक्ट, कोफैक्ट में हम क्या करते हैं माइनस मतलब हम माइनस प्लस इसमें से सिर्फ क्या करते हैं माइनस प्लस जो हमारे माइनस प्लस चेंज कर देते हैं क्यों, तो अगर आप कहेंगे कि हम डायरेक्ट हम कोफैक्ट भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे जो माइनर आते हैं वही कोफैक्ट आएंगे, तो हम कोफैक्ट क्यों नहीं निकालते क्योंकि माइनर हमारा क्या आ रहा है यहाँ माइनस का। अब हम जब यहाँ पे माइनस से प्लस से शुरुआत करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो हमारा जो अगला एलिमेंट होगा वो यहाँ प्लस का आ रहा है लेकिन ये यहाँ माइनस का होगा, अगर यहाँ जीरो की जगह टू होते तो माइनस टू आते, यहाँ जीरो है तो माइनस जीरो और प्लस जीरो कोई प्लस जीरो एलिमेंट होता है वो हमारा प्लस में ही रहता है। ओके तो देखो हमारे यहाँ माइनस प्लस चेंज करेंगे, ओके जब माइनस प्लस चेंज करेंगे तो देखो हमारा सी वन टू होगा वो जीरो देगा जीरो प्लस में ही रहेगा और सी वन थ्री वो प्लस में ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस। ओके सी टू वन, सी टू वन देखो कितना देगा माइनस फाइव, माइनस फाइव देगा, अब माइनस से शुरू करेंगे माइनस फाइव, यहाँ माइनस फाइव है तो यहाँ हो जाएगा प्लस फाइव, अब सी टू टू माइनस होगा यहाँ यहाँ होगा प्लस, यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही रहेगा माइनस से माइनस रहेगा अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी टू थ्री, सी टू थ्री में क्या होता है देखो यहाँ आएगा माइनस प्लस, अब यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो रही यहाँ हो जाएगा माइनस वन। ओके अब सी थ्री वन, सी थ्री वन में देखो क्या होगा प्लस से शुरुआत, तो प्लस से शुरुआत करेंगे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस, तो देखो यहाँ प्लस से शुरुआत करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का बन ही रहेगा और सी थ्री टू में क्या होगा यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस का टू हो जाएगा और यहाँ क्या रहेगा थ्री, यहाँ क्या होगा प्लस, प्लस का तो प्लस ही रहेगा माइनस। ओके देखो हम क्या करते हैं इसी में आपको बताते हैं, देखो हम करते हैं प्लस से शुरुआत, देखो सीधे हम शुरुआत कर दे जाएंगे यहाँ, यहाँ करेंगे प्लस, प्लस से शुरुआत करेंगे प्लस माइनस प्लस। ओके अब माइनस से करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब माइनस और प्लस तो हमारा माइनस ही रहेगा, अब माइनस यहाँ तो माइनस वन हो जाएगा, अब यहाँ क्या होगा प्लस से शुरुआत प्लस तो हमारा माइनस ही रहेगा और जब माइनस से करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस ही रहेगा जब माइनस। ओके तो देखो हमारे देखो हमने यहाँ चेंज कर दिए, देखो यहाँ माइनस वन आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है, यहाँ वन वन, यहाँ देखो प्लस हो गया, यहाँ प्लस का फाइव आ रहा है, यहाँ माइनस का टू आ रहा है, माइनस का बना रहा है, ये माइनस का बना रहा है, प्लस का टू आ रहा है, माइनस का बना रहा है।
हम जब हमारे माइनर में कोफैक्टर निकालने होते हैं तो मल्टीप्लाई माइनस प्लस से करनी होती है। अगर हम ये मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, हम प्लस और माइनस प्लस होते हैं। अगर हम पहले हम प्लस से शुरू करेंगे तो प्लस से शुरू करेंगे तो पहले आएगा माइनस प्लस, माइनस से शुरू करेंगे तो आएगा प्लस माइनस, प्लस से शुरू करेंगे माइनस प्लस। हमारे जो जो हमारे कोने पे जो होते हैं, जो हमारे सारे एलिमेंट प्लस के ही होने चाहिए। देखो हमारे ये सारे प्लस के हैं, तो प्लस 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 जो हमारे चौकोण तो मतलब बनाते हैं, जो चार कोण बनाते हैं वो हमारे सारे होते हैं प्लस के, प्लस के एलिमेंट आते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हमारा प्लस का एलिमेंट दे रहा है तो हमारा प्लस ही रहेगा, अगर माइनस का दे रहा है तो हमारा प्लस में प्लस का भी माइनस ही रहेगा। तो यहाँ भी माइनस का दे रहा है दोनों, लास्ट वाले देखो पहला माइनस का है, लास्ट वाली में माइनस का, तो देखो दोनों ही माइनस के ही रहेंगे। देखो ये भी माइनस का रहेगा, ये भी, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई, और जब माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस ही रहेगा। ओके, अब देखो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए निकालेंगे, एडज्वाइंट ए। ओके, एडज्वाइंट ए हमारा क्या होता है, एडज्वाइंट हमें तो पहले हम ये तीन लिखेंगे, -1 0 1। अब ये तीन 5 -2 1, -1 है। ओके, अब ये -1 2 -1, ये 5 हमारे, देखो ये बन गया हमारा एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए बन गया। जब हमारा एडज्वाइंट ए बन गया तो सिंपल है, ए इनवर्स निकल ही जाएगा। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स इनवर्स एडज्वाइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओ अब क्या आ गया हमारा, डिटरमिनेंट निकालने को आ गया। हमने देखो एडज्वाइंट ए निकाल लिया, बट डिटरमिनेंट निकाला ही नहीं। डिटरमिनेंट का हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे। देखो डिटरमिनेंट हम यहाँ निकालेंगे, डिटरमिनेंट जब यहाँ निकालेंगे, देखो हम निकालेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, देखो 2 लेंगे, पहले 2 लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 1 1 2 1, तो हमारे क्या 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा, 1 -2। ओके, अब हम क्या लेंगे, 1 -1 लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 4 1 1, तो 3 -4। अब हम क्या लेंगे, +1, हमारा क्या बचेगा, नहीं ये लेंगे ये। ओके, एक गलत हो गया। देखो हम जब 1 लेंगे तो हमारा ये और ये एलिमेंट जाएंगे, क्या बचेगा, 3 4 2 1, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, -4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8। ओके, अब करेंगे 1 1 लेंगे तो हमारा ये वाला जाएगा, मतलब R3 जाएगा और C1, तो हमारे क्या हो जाएगा, 3 4 1 1, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 1 में 3 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4। अब देखो हमारे क्या आ रहा है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, तो यह माइनस का 2, तो ये माइनस, यहाँ आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 1 का मल्टीप्लाई अगर प्लस में करेंगे माइनस का 1 आएगा। ओके, यहाँ क्या बचेगा, देखो ये हो जाएंगे माइनस का टू माइनस का वन, तो ये हो जाएगा -3 + 5। क्या बचेगा, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे क्या बचेगा, +2 हमारा। ये देखो यहाँ जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचा है वो हमारा बचा है +2। तो देखो हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे अब निकालेंगे इसे, हमारा एडजॉइंट ए कितना दे रखा है, ऊपर दे रखा है। ओके, एडजॉइंट ए दे रखा है -1 0 -1 5 -2 -1 -1 2 -1। वट हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया है, 2, हम 2 रख देंगे। अब देखो हमारा एडज्वाइंट ए आएगा वो कितना आएगा, हम 2 का जो 1 5 सारे में हम 2 का भाग कर देंगे। देखो 1 का अगर 2 का भाग करेंगे -1/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, यहाँ 0 रहेगा। यहाँ अगर 2/ ये करेंगे, 2/2 करेंगे माइनस का, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, यहाँ 1 होगा, और ये भी 1/2, ये -1/2, ये भी -1/2, ये क्या आया हमारा, ये आया है हमारा ए इनवर्स, ये हमारे क्या आया, ए इनवर्स। एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए से निकल के हमारा ए इनवर्स। ओके, अब हमारा इतना तो आ गया, बट हमें क्या निकालना था, भूल गए, हमें क्या निकालना था,
हमें निकालना था एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड निकालना है हमारा कौन सा सूत्र है, ये वाला एक्स बराबर ए इनवर्स बी। एक्स हमारे कौन से पद दे रखे हैं, एक्स वाई जेड, ओके इज इक्वल टू वाई कितना दे रखा है हमारा, वो ए इनवर्स कितना दे रखा है, ये माइनस का वन बटा टू, फाइव बटा टू, माइनस का वन बटा टू, जीरो माइनस वन, वन वन बटा टू, माइनस का वन बटा टू और माइनस का वन बटा टू हमारे इतना। और देखो इनटू में हमारे क्या दे रखा है, इनटू में हमारे दे रखा है ये वाला बी, बी पर दे रखा है नाइन थ्री फोर। हमारा ये दे रखा है हमारा एक्स बराबर ए इनवर्स बी की समीकरण हमें निकाल के क्या आ गया, ये आ गया। अब हम इसे हल करेंगे, इज इक्वल टू हमारा x का y का z का जो मैट्रिक्स हो वैसे ही रहेगा, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नाइन का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, ओके नाइन का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे वन बटा टू में, तो हमारे क्या हो जाएगा माइनस का नाइन बटा टू, प्लस इसका इसमें करेंगे थ्री का मल्टीप्लाई फाइव में। देखो हम ये आर वन है, इसका मल्टीप्लाई हम इस सी वन में कर देंगे। देखो वन बटा टू का मल्टीप्लाई नाइन में, पाँच बटा टू का मल्टीप्लाई थ्री में, वन बटा टू का मल्टीप्लाई फोर में, जब पाँच का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे क्या आ जाएगा पंद्रह बटा टू, जब वन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का चार, हमारे कितना आएगा जब वन का मल्टीप्लाई थ्री जब फोर में करेंगे ये आ जाएगा माइनस का फोर बटा टू, ओके चार चार बटा टू माइनस का, ओके अब क्या आएगा देखो हमारा इसका मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई माइनस थ्री आ जाएगा, इसका प्लस फोर आ जाएगा, ओके ये हमारा प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस थ्री आ जाएगा जब वन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस फोर आ जाएगा, ओके अगला हमारा क्या आएगा नाइन का, ये नाइन बाई टू आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का थ्री बाई टू आ जाएगा, फिर आएगा माइनस का फोर बाई टू, इतना आ गया हमारा, ओके हमारा इसमें इसका मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया। देखो हमने कैसे किया, ये नाइन का मल्टीप्लाई वन बाई टू में करेंगे नाइन बाई टू, और थ्री का मल्टीप्लाई पाँच में करेंगे तो पंद्रह बाई टू हो गया, फोर का इसमें कर दिया, इसी तरह देखो इसमें कर दिया, ओके तो आगे हम देखो हल करते हैं, आगे हम देखो कैसे हल करेंगे। जब इनका इनका क्या है सारे प्लस माइनस में दे रखे हैं, तो जब हमका ये हमारा जो हमारे जो बटे में दे रखे हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हम टू का एलसीएम ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे, और फिर हमारा नौ माइनस का नौ प्लस का पंद्रह और माइनस का चार, और अगला कौन सा है यहाँ चार तीन माइनस के कम है चार प्लस के ज़्यादा हैं, तो हमारे वन बचेगा, यहाँ भी हमारा हर है वो समान है तो हमारा टू आ जाएगा, प्लस के नाइन माइनस के थ्री माइनस के फोर, ओके ये कितना आया है, ओके ये आ गया हमारा ये, ओके देखो ये आ गया। अब देखो हमारा क्या हुआ यहाँ से हम यहाँ से अगर निकालेंगे क्या आएगा, देखो नाइन और फाइव फोर, नाइन और फोर कितने होंगे हमारे, नाइन और फोर कितने होंगे तेरह, जब पंद्रह में से तेरह घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, ओहो हमारे करने चला, ओके देखो हम जब यहाँ नाइन और फोर कितना हो जाएगा तेरह हो जाएगा, तेरह में से जब पंद्रह घटाएंगे तो माइनस के ज़्यादा कम है प्लस के ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे माइनस का टू बचेगा यहाँ पे, ओके यहाँ बचेगा टू बटा टू, यहाँ बचेगा वन, यहाँ हो जाएगा नाइन और सेवन माइनस का, तो यहाँ बचे यहाँ भी बचेगा टू बटा टू, यहाँ आ जाएगा वन वन वन, ये क्या आ गया वन वन वन, ओके क्योंकि ये वन बचेगा ये भी वन बचेगा, हमारे क्या आ गया वन वन वन, मतलब अब इसका हम यहाँ लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ क्या है हमारा देखो हमारा एक्स वाई जेड, ये हमारा ये वाला है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मतलब हमारे एक्स वाई जेड के बराबर क्या आया वन वन वन, तो एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू वन, जेड का वैल्यू वन, हमें यहाँ क्या निकालना था एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई और जेड का वैल्यू निकालना था,
जब हमारा एक्स और वाई और जेड का वैल्यू 1 1 आ गया, तो देखो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है, जब हमारा एक्स और वाई और जेड का वैल्यू निकल गया है, तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एक बार और देख लो सिंपल तरीके से, बहुत ही कम समय में कैसे समझा दे रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छे तरीके। देखो मैंने क्या था, तीन समीकरण दे रखी, तीन समीकरण हमारी 1 2 3 तीन समीकरण दे रखी हमारी, हमें एक समीकरण, हमें एक एक्स इक्वल टू वी बी के बेस्ड हमें हल करना है। हमें यहाँ क्या निकालना है, एक्स, एक्स हमारा कैसे निकलेगा, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, हमें एक्स निकालना है ओके इसके बेस्ड। तो हमें एक्स निकालने के लिए यहाँ पे ए इनवर्स निकालना हो, तो हमें यहाँ मैट्रिक्स बना लेंगे, ए का मैट्रिक्स हम बनाएंगे इन एलिमेंट एक्स के पदों द्वारा। एक्स हमारे पास ये दे रखा है, बी हमारा ये अचर पद ये दे रखा है ओके। अब हमें यहाँ ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए, ये वाला ये एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना होगा, देखो माइनर निकालने होंगे, माइनर के द्वारा कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर के द्वारा निकलेगा एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए के द्वारा क्या निकलेगा, ए इनवर्स, हमारा एडजॉइंट ए होगा उसके द्वारा ए इनवर्स निकलेगा। देखो हमारे पहले निकले माइनर, माइनर निकला, माइनर से निकले कोफैक्ट, कोफैक्ट निकल गए, यहाँ पे क्या निकले एडजॉइंट, एडजॉइंट निकल गया, अब एडजॉइंट से हमारा ए इनवर्स, ए इनवर्स निकल के ये आ गया। अब हमारे समीकरण क्या दे रखी थी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, हमारा एक्स ये आ गया, ए इनवर्स ये आ गया और बी ये आ गया ओके, ये आ गया बी, देखो बी आ गया हमारा ए, एक्स इनवर्स ये आ गया और बी आ गया ये और एक्स ये आ गया। जब हमारा ये आ गया तो हमने देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इतना हमने हल कर दिया, इसके बाद हमने यहाँ पे प्लस माइनस करके इतना हल कर दिया, और यहाँ पे हमने जब हम 9 और 4 माइनस माइनस के जोड़ेंगे, माइनस का 13 हो जाएगा, 15 घटाएंगे प्लस का 2 बटा प्लस का 2 यहाँ पे 1 मतलब एक्स और जो वाई की वैल्यू आई है वो आएगी 1 1 1, हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आ गया 1 1 1। तो ओके यहाँ तक आपको सवाल हमारा एग्जांपल था वो समझ आया। इस एग्जांपल से क्या हुआ, हमारी जो समीकरण दे रखी थी लीनियर, लीनियर जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमारी चार इक्वेशन दे रखी थी लीनियर, उसमें हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हमारी जो चार इक्वेशन दे रखी थी लीनियर, लीनियर इक्वेशन में क्या हुआ, हमने लीनियर इक्वेशन लिखी, उसमें हमें ज्ञात करना था लीनियर इक्वेशन में क्या हुआ। देखो लीनियर इक्वेशन है, हमने उसे कैसे ज्ञात किया, हमने उसमें एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमने उसमें क्या किया, माइनर भी निकाला, कोफैक्ट भी निकाला, एडजॉइंट भी निकाला और ए इनवर्स भी निकाला। देखो हमने लीनियर इक्वेशन से देखो क्या किया, हमारा जो एक टॉपिक है, जो हमारा लीनियर जो एडजॉइंट और ए इनवर्स माइनस से शुरू हुआ है, वो हमारा लीनियर इक्वेशन से भी संबंधित है। देखो हमारी लीनियर इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन में क्या था, देखो हमारे ए इनवर्स मतलब एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पे माइनर, कोफैक्ट, एडजॉइंट और ए इनवर्स का भी जरूरत पड़ गया। हमारी लीनियर इक्वेशन में हमारे कोफैक्ट, माइनर, एडजॉइंट और इनवर्स भी पक्के होने चाहिए, तभी हम ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ओके। हमारे जब माइनर, कोफैक्ट, एडजॉइंट और इनवर्स तैयार होगा पूर्ण तरीके से, तो ही हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लीनियर जो हमारी माइनर इक्वेशन है, माइनर, एडजॉइंट, कोफैक्ट और इनवर्स, अगर वो हमने नहीं सीखी तो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ओके। तो आज का आपको समझ में आ गया होगा, आशा है मुझको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप समझे तभी आएगा आपको अच्छे से समझ में, अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे सही तरीके से, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको ये यहाँ जो यहाँ मैंने जोड़ा है या घटाया है ये भी समझ में नहीं आएगा आपको, ये 15 है ओके, ये भी समझ में नहीं आएगा आपको। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा, एक बार और देख लेंगे सब समझ में आ जाएगा ओके। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तो आपको फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको अगली वीडियो मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।